कि दो दो बार पुलिस आया है, जबकि हम कंप्लेन करना चाहिए था। सबसे पहले बात तो उसको हम रुपया दे के रखा है और समन नहीं दे रहा है। हम उल्टा कंप्लेन करना चाहिए था, वो आयोग को भी सर को भी हम बताया था। हम उल्टा कंप्लेन करने के लिए सोच रहे हैं, हम ही कंप्लेन करने के लिए सोच रहा था तब आप लोग आया है। सर अब बताइए, तो पुलिस जो दो तरीका से आया है, तो उसमें जब हम दोनों के बीच में बात करते समय वो हमको ये भी, ये राकेश पंजे क्लियरली हमको ये भी बात बोला है, हमको ट्रेनिंग किया वो जो, हम यहाँ का पाला पोसा आदमी है, हमको ये बात बोला है। तो हम भी तो मजाक से ले आ रहे यार, आप यहाँ से पाला पोसा, हम तो डर गए यार, प्लीज़ हमको मत मारो। वो दादा से यहाँ का लोकल को इतना पुलिस बार बार भेज सकता है, इतना दादा है ऐसे आदमी को। हम लोग जो अभी हम लोग, ये सही समय है और ये पहला केस होगा जो ये इश्यू उतार रहा है उसका अगेंस्ट में, और पहले अभी अभी कुछ मालूम हो रहा है हम लोग जो उसका अगेंस्ट में और बहुत सा केस है अभी गुट गुट के पूरा निकल रहा है, और ये चीज़ को हम लोग अवेयर होना है। अभी ये राकेश पांडे को हम लोग जो उसका जिसे लिसन बोलता है ना, उसको सबक सिखाना है या उसको कैसे उसको वो करना है, अभी अभी हम लोग का सही समय है। अभी उसको हम लोग छोड़ेगा तो कल को और बहुत सा राकेश पांडे आ जाएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रेस मीडिया को धन्यवाद जो मेरा राकेश पांडे का साथ इंसिडेंट हुआ था उसको आप कवरेज करने के लिए आया, तो उसका मैं एक डिटेली बताऊंगा इंसिडेंट एग्जैक्ट कैसे हुआ था बोल के ना। और सबसे पहले तो मैं अपना नाम को बताना चाहूँगा, मेरा नाम रमेश ताकू है और इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आन्या का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और सबसे पहले तो आदमी लोग क्या सोचता है कि हम लोग का यहाँ का लोकल दादा मारा होगा या एसोसिएशन में बैठ के दादा मारा होगा, ऐसे सोचता है मैक्सिमम लोग जो। पर हम ये बात को हम बताना चाहता है एग्जैक्ट वो दिन में क्या हुआ था, ऐसे दादा ऐसे है बोल के बिल्कुल नहीं मारा है। और हम भी इतना भी मतलब गरीब नहीं है कि 10-20 हज़ार के लिए दादा मारेगा। तो एक्चुअली हम भी बहुत यूनियन में रहा, आपस में भी था, आज तक कभी दुकान से ऐसे दादागिरी करके सामान वामान कभी आज तक कभी नहीं उठाया, ये हम बताना चाह रहा है। और एग्जैक्टली वो दिन में क्या हुआ था तो इंसिडेंट का बारे डिटेली बताएगा। 21 जुलाई को था, 21 जुलाई 2024, तो सुबह को हम जो वहाँ गया था सामान लेने के लिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेगा कि हम जो वहाँ का पुराना कस्टमर है, बहुत सा मेरा जितना भी ये क्या बिल्डिंग वहाँ मेरा नार लगन ए सेक्टर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ जितना भी मेरा बिल्डिंग इक्विपमेंट जितना भी मटेरियल्स है वो दुकान से ही लिया हम, राकेश एंटरप्राइज जो आपका हेलीफील्ड का सामने में है। तो वो दिन जो हम सुबह को उसका दुकान में गया लगभग 12 बजे से को, तो 12 बजे को गया था, तो जाने के बाद मैनेजर वहाँ में था, मैनेजर को बात किया, तो वो मैनेजर को हम बोलाया हमको रोड चाहिए, सीमेंट चाहिए और ये सब मटेरियल्स को बताया, और इसके बाद वो बिल बनाया। तो बिल बनाने के बाद लगभग बिल जो 1,12,000 का हुआ है, तो 1,12,000 का जब होते हैं तब हम जो उसमें ये क्या बोलता है 50,000 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन साथ साथ में कर दिया, और 50,000 जो केस में दे 50,000 चेक में दिया है। और ऐसे होने के बाद तो सामान तो उसके बाद वहाँ में आधा घंटा लगभग ऐसे हो गया, उसके बाद सीमेंट लोड करने में भी समय लगता है, रोड जुगने में भी समय लगता है, ऐसे करके तो ऑलमोस्ट वो हो गया, रुपया भी वो रिसीव कर दिया, सामान पैक करके गाड़ी बुला के उसका कुछ ताता बाबलता लोड करके निकल ही गया था, बाहर निकल गया था। तो निकल के जब तब वहाँ से राकेश पांडे का उसका मैनेजर का वहाँ में फ़ोन आया है, तो वो मैनेजर जो स्टाफ जो बताया कि राकेश पांडे तो बाकी नहीं देगा बोल रहे जो आपका 12,000 को, ऐसे बोला है। तो हम बोला हम उससे नंबर मांगा है हम जो,
तो हम बात कर लेते हैं तब तो उसे नंबर लेने के बाद हम राकेश जी को हम कॉल किया हम तो हम अच्छे से बात किए शुरुआत में हम राकेश जी मैं रमेश ठाकुर बोल रहा हूँ और तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए आपका हम पुराना कस्टमर है और वैसे आपका यहाँ से मेरा जितना भी सामान लिया आपका वहाँ से लिया है कहीं ना कहीं एक दूसरा काम आएगा आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मैं यहाँ का भी इसका मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ हम अच्छे से बात किया तो करने के बाद हम बताया उसको कि आपका यहाँ से जो आपका भाई है जितेश तो उससे ही जितना मैक्सिमम मेरा जितना भी घर कंस्ट्रक्शन बन रहा है आपका ये भाई से ले है जितेश जो वहाँ का मैनेजर तौर पर नाम रहता है वो जो जितेश को तो उससे लगभग तो मेरा उससे बहुत लाखों रुपया का सामान लिया है तो हम बताया उसको आपका जीएसटी भी हमको अभी तक नहीं मिला एक बार भी नहीं दिया है हम उसको अच्छे से बताया है और जितेश का साथ तो हम चेक भी दे देता है चेक देने से भी वो हम चेक दे के रख देता है दो तीन दिन में वो लोग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं हमेशा ये मतलब यूजली ऐसे ही हुआ है तो उसके बाद कभी कभी जो ऐसे होता है कि मेरा ये दिन का जब दिन का पे जो मतलब एक तो जीपे होता है फ़ोन पे होता है लिमिट ओवर हो जाता है तो उसको चार पाँच दिन में भी हम उसको पेड कर देते हैं तो उसका जितेश हमको अच्छा जानते हैं हम उसको हम बताया राकेश को हम बता रहा था ये चीज़ जो हम ऐसे 40-50,000 का भी ऐसे क्रेडिट रह जाता है लेकिन हम दो तीन दिन का बाद आके 1,000 रुपया ज़्यादा देता है तो वो लोग खुश है इसलिए मेरे साथ अच्छा से वो होता है हम उसको हम अच्छा से बताया राकेश जी को तो फिर भी वो जो बोला हम अच्छे से रिक्वेस्ट किया देखिए और हम आपका दो तीन दिन में तो और मेरा तो घर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपका यहाँ से ही लेगा सामान तो जितना भी आपका यहाँ से ही लेगा और यहाँ दो तीन दिन में तो आ ही जाएगा तो उसमें आप हमको मेरा जीएसटी को भी दे दीजिए और जीएसटी को भी साथ में दे दीजिए और उसमें आपका जो जो ये अभी 12,000 जो है उसको भी हम साथ में क्लियर कर देगा ये बात बोला था तो फिर भी वो जो बोला नहीं हम 1 रुपये बाकी नहीं देगा बोल के फ़ोन को कट दिया तो कटने के बाद तो वो मैनेजर जो बात किया अरे क्या करें तब तो हम बोला है तो जब फ़ोन करने का तो राकेश से तो वो जो बस फ़ोन से ही बात कर रहा था उसका वो लड़का का फ़ोन से तब उसके बाद वो लड़का को जो मैनेजर को बात किया तो सामान को बेच दीजिए ना तो लड़का जो बोल रहा है कि नहीं नहीं सर तो बाकी नहीं दे तो हम बोला है कि तब तो आप फ़ोन लगाइए तो हम बोला है जो मेरा अभी रुपया ट्रांजेक्शन कर चुका है क्योंकि सीमेंट जो अभी काम बहुत जली रही है अभी ये दलाई हो रहा है सीमेंट जली सीमेंट को जाते रहने दो ऑलरेडी तो आपका पास हम 50,000 तो ऑनलाइन कर दिया तो आपका 50 बैग सीमेंट था तो उसका तो ज़्यादा से 25,000 होता है तो 50 बैग का 25,000 होता है तो उसका पास में हम 50,000 जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन करके रखा है हम बोले सीमेंट को तू जाने दो आपको ऑलरेडी हम रुपया दे के रखा है तो फिर वो स्ट्रिक्टली मना किया है ये जो जब राकेश जी जो नहीं देगा मतलब नहीं देगा तब हम राकेश जी को फ़ोन करो तब हम दोनों बात किया हम बोले राकेश जी अरे आप सीमेंट को तो बेच दो सीमेंट को तो जाने दो क्योंकि आपको ऑलरेडी हम रुपया दे के रखा है तो वो सीधा सा ये बोला है कि आपको हम सीमेंट नहीं दे ये कि आपको हम बिक्री नहीं करेगा हमको डायरेक्ट सीधा सा वो मना कर दिया और रुपया भी वापस नहीं दे रहा है तो फिर भी ज़्यादा बात नहीं करता है वो फ़ोन कट देता है कट कर देता है और हम फ़ोन करने से वो उतरता भी नहीं है तो उस बीच में तो सामान जो तो कम से कम ऐसे रुका वो करके एक डेढ़ घंटा हो गया कि उसमें हम सामान बिल्कुल जाने नहीं दे रहे रुपया दे के रखा है ऑलरेडी 50,000 तो उसका ऑनलाइन में है दे के रखा है चेक दे के रखा है कम से कम सीमेंट जाने नहीं दे रहा है रुपया भी वापस नहीं कर रहा है हम वहाँ बेता है और ऐसे था कि वो दिन तक आप लोग भी देख सकते हैं 21 जुलाई जो वो संडे का दिन है आसपास में भी सीमेंट दुकान गोदाम नहीं है वो भी उससे मतलब हम वो करके तब ले जाने के लिए कह रहा था क्योंकि आसपास में गोदाम भी नहीं तो हम सबसे तो कहीं भी लग 50 बैग तो ले जा सकता था वो दिन ऐसे ही मिस्त्री लोग भी रुक के रखा है तो एक जगह और क्या हुआ है तब ऐसे ही कुछ बात करते समय ऐसे ही कुछ वो कर रहा था तब जाके पुलिस टीम जो आया है एक पुलिस टीम आया है तो आयो एक तो था और दो तो वो जो आयो सर को हम पहचानते हैं हम जो नाम नहीं ले देगा तो सर जो आया है सर आने के बाद ये हमें क्या है किस लिए लूटपाट कर रहा है बोलिए वो अरे सर जो वो लोग का पुलिस का एक आप लोग का वो लोग का बात करने दागा अरे किस लिए लूटपाट कर रहा है किस लिए वो करके ऐसे टाइप का तो आया है तो हम सर को बताया बात क्या है आयो सर सर एग्जैक्ट जी ये है हम रुपया भी दे के रखा है रुपया सामान भी जाने नहीं दे रहे और रुपया को भी वापस नहीं कर रहे तो दिखने के बाद और
तब जाके वो आयो जो राकेश जी को, शायद राकेश पांडे को वो फ़ोन किया है, वो राकेश पांडे को फ़ोन करने के बाद तब जाके उसका सामने में हमको जो हम ऑनलाइन जो 50,000 ट्रांजेक्शन किया था उसका सामने में वापस दिया वो जो राकेश पांडे जो, तो मेरा ऑनलाइन में वापस कर दे। तो करने के बाद तब सर को हम बात किया, यहाँ से तो हम सामान वो है क्योंकि हमको अभी जरूरी या संदेह है, मार्केट अवेलेबल नहीं है। वो आयो तो वो लोग को अपना वो से गाली दिया ना उसको, बहुत गाली दिया मैनेजर को, अरे तुम लोग क्यों हम लोग पुलिस को वो गलत वो इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ में तो देखा है तो दो लोग पुराना कस्टमर है और एक अच्छा मतलब अभी का बात नहीं है, लाखों रुपया एक दूसरा ट्रांजेक्शन करने वाला है, जान पहचान है, क्यों ऐसे करता है, मतलब पुलिस मेरा सामने में गाली दे आयो जो वो लोग को गलत मतलब इन्फॉर्मेशन दिया, गाली दिया है मेरा सामने में गाली दिया। तो करने का बोले आयो भी बोले, अरे तुम लोग, अरे तेरा पुराना कस्टमर है सामान दो, मिलजुल के करो। तो सर भी बोल दिया, तो बोलने का तब जाके हम जो तो उसका बाद 1,12,000 था तो उसको हम साथ साथ में हम पेमेंट कर दिया हम जो उसमें, उसका बाद वो करने का बाद उसका हम पेमेंट कर दिया सर का सामने में, हम पेमेंट किया हम जो आयो का सामने में। वो जब वो करने का बाद तब हम पेमेंट किया हम जो, पेमेंट करने के बाद तब सर जो हम जो ये बात बोल रहा था तो रोड को तो वो लोग वो गाड़ी लोग उसका वो लोग का ड्राइवर जो पूरा चला गया था, तब हम एक सामने में देख गाड़ी टाटा मोबाइल था उसमें लोड कर दिया, वो लोग ही लोड करके वो करके जाने दिया, सीमेंट तो अभी तक अंदर में ही था, वो लोग लोड वो लोग का सतर बंद करने के बाद वहाँ से वो जो स्टाफ लोग ही गायब हो गया उसका कारण से इतना देर तक सीमेंट तो 4 बजे इसी को मिला है। तो ऐसे बात करते करते 4 ही आलमोस्ट बज गया था, मतलब 12 बजे को हम आया हुआ था। तो एक जगह और क्या हुआ है, तो तब जाने का हम बोला है हम उसका मैनेजर से बात किया, कॉल करके राकेश को बोला नहीं नहीं हम मेरा नंबर से तब कॉल किया हम राकेश जी आप आइए आपको हम जस्ट मिल के बात करना, देखो हम आपका वो भी है पुराना कस्टमर भी है लेकिन आप आइए आपको हम बात करना चाहता है। तो जब ये बात करते समय ही वो करते समय फिर एक टीम और पुलिस आया है 1 घंटा का बाद, तो 1 बजे को एक बार आया और फिर 2-3 बजे को एक बार फिर आया कि एक टीम जो आयो टीम जो आया है, फिर यहाँ में मतलब वही वो जो ट्रेनिंग कर रहा है, दादा मार रहा है, फ्री सामान उठा रहा है, ऐसे टाइप का फिर आया है। फिर वो आयो टीम भी वो लोग को मेरा सामने में वो लोग को उसको भी गाली, फिर वही चीज़ ही बोला है शुरुआत में जो बोला है वही बोला, अरे नो लोग गलत ये क्या, ये तो नो लोग का पुराना कस्टमर है, नो लोग का लेन देन छोटा मोटा भी बात है, नो लोग क्यों बेकार में वो करता है, हमें क्लियर कर आयो गाली दिया वो लोग को। तब जाते जाते तब हम देखा है कि हम वहाँ का जो स्टाफ लोग को पूछा आईएलपी भी वो लोग पास नहीं था, इंडियन परमिट होता है वो लोग का पास, एक दो तो के पास तो नहीं था, एक तो का पास था देखा है वो भी मतलब एक्सपायर हो चुका था उसमें भी ना। तो उसके बाद हम बोला ये आप लोग का सॉफ्ट जो देखा तो ये राकेश इंटरप्राइज है, राकेश इंटरप्राइज तो एग्जैक्टली तो वो सिनेमा हॉल का सामने में है राकेश इंटरप्राइज जो, तो ये वाला जो क्या है ये गोडा में बोला है, लेकिन हम जब से हम आपका यहाँ से सामान लिया तो आपका यहाँ से हम सामान लिया है, तो बिल भी यहाँ से बनता है, मेरा जितना ट्रांजेक्शन भी यहाँ से ही हुआ है, ये कैसे गोदाम हो सकता है, गोदाम मतलब तो बस सामान रखने जगह होना है, वहाँ से स्लिप लेके आना है गोदाम से ले जाना है। तो हम ये बात बताया तब जाके तो अन्या का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ये, क्योंकि इलीगल चल रहा है वो लोग का जो ट्रेडिंग लाइसेंस जो इलीगल चल रहा था। तो तब जाके हम मेरा अन्या टीम को बताया कि दो बार पुलिस आया है, जबकि हम कंप्लेन करना चाहिए था सबसे पहले बात, तो उसको हम रुपया दे के रखा है और समन नहीं दे रहा है, हम उल्टा कंप्लेन करना चाहिए था, वो आयोग को भी सर को भी हम बताया था हम उल्टा कंप्लेन करने के लिए सोच रहे हैं, हम ही कंप्लेन करने के लिए सोच रहा था तब आप लोग आया है सर अब बताइए। तो पुलिस जो 2 तरीक़ा से आया है, तो उसमें जब हम दोनों के बीच में बात करते समय वो हमको ये भी ये राकेश पंजी क्लियरली हमको ये भी बात बोला है, हमको ट्रेनिंग किया वो जो हम यहाँ का पाला पोसा आदमी है, हमको ये बात बोला है। तो हम भी तो मजाक से ले आ रहे यार आप यहाँ से पाला पोसा, हम तो डर गए यार प्लीज़ हमको मत मारो, हम बस ऐसे ही टाइप का वो करके बोला है वो, मतलब ऐसे बोलने के बाद ही पुलिस लोग जो ये मतलब उसका सीरियस जो मतलब वो क्या है कि ऐसे टाइप का बोलता है, देखिए आप हम यहाँ का लोकल है, फिर हमको ही बोलता है कि हम यहाँ का पाला पोसा आदमी है, अब यहाँ का पाला पोसा आदमी तो है ना, लेकिन आप बिजनेस करो ना,
हमसे उसे कुछ मैटर नहीं करता है। और मेरा जब ये इंसिडेंट हो जाने के बाद तब देखा है तो इतना आदमी का आदमी मेरा फ़ोन आ रहा है कि वो आदमी मतलब एक हैबिचुअल है, मतलब वो एक दादागिरी है, मतलब कि सबको मतलब ऐसे तब कहीं करके रखा है। तो वो दिन तो हम अपना जब गलत हो रहा है तो हम अन्या टीम को बताया, अन्या जो अभी अच्छा से टिकल इशू को टैकल कर रहा है। और हम तो ये बोलना चाहेगा मेरा तरफ से, जितना भी हमारा अरुणाचल आदमी, हम सब से ये आदमी से हम लोग अवेयर रहना चाहिए, और हम लोग इसको बिल्कुल अभी मौका नहीं देना चाहिए हम लोग का तरफ से। और अन्या जो उसको अभी रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है उसमें ही हम तो सहमत है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट भी अन्या का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को सहमत करेगा। हमारा अरुणाचल का जितना भी वो है, एक वो है रिक्वेस्ट है ये मेरा कि हम मालूम है हम लोग का अरुणाचल का जितना मैक्सिमम जितना आदमी लोग जो हम लोग डाउन टू आउट होता है आदमी इतना हम लोग जो सबको माया करता है कि इस, लेकिन ये केस को अब सब उसको सीरियस लेना है, क्योंकि एक राकेश पांडे जो कि वो इतना अभी वो दादा से यहाँ का लोकल को इतना पुलिस बार बार भेज सकता है, इतना दादा है ऐसे आदमी को, हम लोग जो अभी हम लोग ये सही समय है और ये पहला केस होगा जो ये इशू उठा रहा है उसका एगेंस्ट में, और पहले अभी कुछ मालूम हो रहा है हम लोग जो उसका एगेंस्ट में और बहुत सा केस है अभी गुट गुट के पूरा निकल रहा है। और ये चीज़ को हम लोग अवेयर होना है, अभी ये राकेश पांडे को हम लोग जो उसका जिसे लिसन बोलता है ना उसको सबक सिखाना है या उसको कैसे उसको वो करना है, अभी हम लोग का सही समय है। अभी उसको हम लोग छोड़ेगा तो कल को और बहुत सा राकेश पांडे आ जाएगा जो हम लोग का, हम लोग तो इतना दिल माया करके बैठता है ना कि हम लोग को और दबाने के लिए और राकेश पांडे और ज़्यादा राकेश पांडे आ जाएगा। तो इसलिए हम मेरा तरफ से कि ये अपील है ये केस को अब जितना भी हम लोग का अरुणाचल आदमी है हम लोग को सपोर्ट करना है, खास करके अन्या को सपोर्ट करना है। भाई हमको नहीं बोल रहे अभी अन्या इसको टैकल कर रहा है तो अब लोग ओल्ड निशी यूथ एसोसिएशन जो उसको टैकल कर रहा है उसको आप लोग सपोर्ट करना है। भाई इंडिविजुअल निशी ऐसे कम्युनिटीज नहीं बोलना है, क्योंकि ये अरुणाचल में हम लोग का सब टाइटल है, बहुत सा टाइटल है, हर कोना में ये चीज़ जो राकेश पांडे निकल सकता है उसको अभी हम लोग जो अवेयर रहना है और उसको मिल के हम लोग जो फाइट करना है। थैंक यू वेरी मच।